भाई साहब पहले थ्री इडियट्स, देन सुपर 30, देन 12 फेल एंड नाउ श्रीकांत बोला, जो ये तीन मूवी काम करके गई थी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन का वो तड़का जो एक यूथ के लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक यूथ वो स्ट्रगल फेस जरूर करता है जिसे एक टाइम पर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। श्रीकांत बोला भाई इस मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ये मूवी वही काम करने वाली है, बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली है। अभी तक जो हम मूवीज देख कर आ चुके थे मोटिवेशनल से रिलेटेड, उनकी कहानी कुछ अलग थी, लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल भी अलग होने वाली है। एक ऐसा चैलेंज जिसके आगे कोई भी नॉर्मल पीपल हो जो हार जाता है भाई, जिसके पास देखने की शक्ति नहीं है, वो बंदा ऐसी ऐसी सिचुएशन को टैकल करने की सोच रहा है, जिनके पास आंखों से देखने की शक्ति भी है, हाथ पांव सही सलामत भी है और मानसिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं। लेकिन वो बंदा जिसके पास देखने की भी शक्ति नहीं है भाई, आप एक बार आँख बंद करके दो कदम चल लीजिए, पाँच कदम चल लीजिए, आपके पाँव लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात चलने की नहीं है, बात यहाँ पर है कि भाई साहब अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ऐसा बनाया गया हूँ या मुझे ऐसा बनाया गया है, तो इस पे मेरा कोई बेचारा वाला एंगल नहीं है भाई, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये वाली चीज़, वो वाली भावना अंदर से भरी है और उस भावना के साथ वो सिर्फ बैठा नहीं है, उस चीज़ को अचीव करना है जिसका नाम सक्सेस है। तो भाई सक्सेस अचीव करने के लिए लोग बड़ी से बड़ी जंग लड़ते हैं, खुद से, कभी बाहर वालों से, लेकिन ऐसी लड़ाई जिसे आज का समाज पहले ही फाइनल एंड जजमेंट देके बैठा है कि भाई जिसके पास देखने की शक्ति नहीं है तो ये क्या ही कर लेगा, है ना, बेचारा है, सिंपथी वो वगैरह देना। तो भाई ट्रेलर देख लिया है, ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, मूवी में क्या मिलने वाला है, ट्रेलर की बहुत सी चीज़ें हिट करके गई, रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो पे एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई मूवी में बहुत कुछ मिलने वाला है, अगर आप यूथ हैं, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो स्ट्रगलिंग फेस में है, जिसे वाकई में कुछ अचीव करना है, तो ये मूवी आपके ही लिए है। और ये मूवी बाय गॉड सभी के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस मूवी से एंटरटेनमेंट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, मसाला का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर कहानी वो होगी अपनी सिचुएशन से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि आपकी कमजोरी आपकी सिचुएशन नहीं होती, आपकी कमजोरी आप खुद होते हो। अगर आपने अपने आप को खुद को ढाल लिया, खुद को मोटिवेट कर लिया, खुद को समझा लिया कि भाई आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, जिद है तो जिद है, वो जीत काम आती है सक्सेस को अचीव करने के लिए। वही श्रीकांत बोला करते नजर आ रहे हैं, देखने की शक्ति नहीं है इनके पास, एंड अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और उसी चीज की बायोपिक हमारे सामने आने वाली है। राजकुमार राव मेन लीड पर देखने को मिल रहे हैं, और जहां राजकुमार राव का नाम जुड़ता है भाई, मेरे को ऑटोमेटिक ट्रस्ट यहां से इस बंदे से बन के आता है कि यार ये बंदा आया है तो कहानी के साथ, कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देन उसके बाद एक्टिंग में तो ये बंदा माशाल्लाह है ही है। चैलेंजिंग मोमेंट्स बहुत से भाई ट्रेलर में ही देखने को मिले, लाइक विजुअली चैलेंज, जब APJ अब्दुल कलाम आते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, क्या बनना है, तो श्रीकांत बोला जिनके पास देखने की शक्ति नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात कह जाता है हमारा ट्रेलर का वो मोमेंट था कि भाई मुझे इंडिया का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना है। देन सेकेंड वो चीज़ बहुत हिट करके गई ट्रेलर में ही कि जिद है कि पढ़ूंगा तो साइंस पढ़ूंगा वरना कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सिस्टम ये था कि आर्ट्स ही दी जाएगी, लेकिन भाई इसी के चलते ये चीज़ भी बहुत हिट करके गई कि केस किया किस पर, एक ऐसी संस्था पर जो जिससे कोई लड़ने की भी नहीं सोचेगा, मतलब खली से कौन लड़ना चाहेगा यार, आपकी 5 फुट 1-2 इंच हाइट है और आप खली से लड़ना चाहोगे क्या, वही चीज़ की एजुकेशन सिस्टम पर केस करने वाली बात, ये भी दमदार हिट करके गई है। मतलब ये सारी चीज़ें भाई आपके पास सिचुएशंस आती हैं आपको मर्ज करने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने के लिए, लेकिन उस सिचुएशन में आपने टूटना नहीं है, उस सिचुएशन में उसको कैसे ओवरटेक करना है, कैसे टैकल करना है और उसको डिफीट करना है, बीट डाउन करना है, ये चीज़ यहाँ से पता लगने वाली है, वो भी ऐसे बंदे के द्वारा आप जिसके पास भाई देखा जाए तो दुनिया की नज़र में कमी है, लेकिन उसकी नज़र में वो चीज़ उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सबकी तरह ही अपने आप को समझ रहा है भाई, ये चीज़ बहुत हिट करके गई है। फुल ये मूवी इमोशनल होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल तो ये होने ही होने वाली है, लाइक कि भाई बंदा अपनी लड़ाई खुद से जो हो ना, खुद के साथ लड़ना हो, जहाँ पर किसी और के सहारे की कोई ज़रूरत ना हो, सामने कैसी भी सिचुएशन, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, पता है कि ये तोड़ मरोड़ के जाएगी हमको, लेकिन उस सिचुएशन में भी बंदा लड़ जाता है, उसे डिफीट कर देता है, टैकल कर देता है और उसको ओवरकम कर लेता है। तो ऐसा वेट है इस मूवी के लिए, बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।